वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का सवाल को लेकर आगे बढ़ते हैं। ए स्क्वायर पिरामिड बेस 40 mm साइड एंड एक्सिस 65 mm लॉन्ग हैज इट्स बेस इन द VP। बेस कहाँ बोल रहे हैं? VP पर है। वन एज ऑफ द बेस इज इंक्लाइंड एट 30 degrees टू द HP एंड ए कॉर्नर कॉन्टेंट बाय दैट एज इज ऑन द एस्पिट्रॉइड प्रोजेक्शन। एक हमारा स्क्वायर पिरामिड है, स्क्वायर पिरामिड ठीक है, और उसका बेस क्या बोल रहा है? VP पर है। बेस कहाँ है? VP पर है। लेकिन उसका जो एक एज जो है वो 30 degrees क्या बोल रहा है? इंक्लाइंड है HP से, 30 degrees इंक्लाइंड है, और एक कॉर्नर जो बोल रहा है वो HP पर रखा हुआ है ठीक है। तो इस प्रकार पोजिशन इसका फिक्स हो जाएगा। एक कॉर्नर HP पर होगा और उसका एक साइड जो है, एक एज 30 degrees से इंक्लाइंड है HP से, तो फ्रंट में इसी प्रकार पोजीशन फाइंड हो जाएगा। लेकिन जब इसको टॉप से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा ठीक है। तो बनाते हैं, एक कॉर्नर को क्या करना पड़ेगा हमको? कंटेंट HP पर एक कॉर्नर को कंटेंट करना पड़ेगा, और यहाँ से एक एज जो है वो 30 degrees से क्या है? वो इंक्लाइंड है। तो यहाँ पर हम लोग 30 degrees इंक्लाइंड एक लाइन खींचेंगे ठीक है, और उस एज का जो डायमेंशन दिया हुआ है कितना? 40 mm का वो एज है। तो यहाँ से लोग 40 mm का लाइन खींच लेंगे एक ठीक है, 40 mm का लाइन खींच दी हुए, और ये जो इंक्लाइंड है कितना? 30 degrees से इंक्लाइंड है। और यहाँ स्क्वायर पिरामिड है, तो सभी यहाँ से सभी लाइन क्या होगा? इसका एक लाइन सभी स्क्वायर का एज का सभी लाइन एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा। 40 mm का यहाँ से ड्रॉ कर लिए हुए ठीक है। पिरामिड है तो सभी वर्टेक्स एपेक्स जाकर मिल जाएगा ठीक है। ये स्क्वायर पिरामिड का जब बेस VP पर था और इसका एक कॉर्नर HP पर था और इसका एक 30 degrees इंक्लाइंड था, तो इस शेप में दिखा है ठीक है। तो सबसे पहले 30 degrees का एक इंक्लाइंड लाइन लिए 40 mm का, यहाँ से 40 mm का एक इंक्लाइंड लाइन दिखा देंगे, 40 mm का एक लाइन लिए हुए हैं ठीक है। तो स्क्वायर पिरामिड मेरा ऐसा दिखेगा। अब इसका हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे इसका। तो प्रोजेक्शन लाइन नीचे की तरफ लेंगे सबका, और इसका एक्सिस का डिस्टेंस दिया हुआ कितना? 65 mm। तो यहाँ 65 mm एक्सिस को ले लेंगे, और इसका नेमिंग कर लेते हैं। सबसे पहले A-B-C-D-M-N-। तो यहाँ पर दिखेगा कौन कौन देख लेते हैं। A दिखेगा, D दिखेगा यहाँ से, C दिखेगा, लेकिन B जो है वो नहीं दिखेगा, वो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में हो जाएगा। तो सब लाइन को मिला देते हैं, जो ब्रैकेट में नहीं है उसको कंटिन्यू लाइन से मिलाएंगे। और ये क्या है? बी ब्रैकेट में, तो वो क्या हो जाएगा? डॉटेड लाइन से मिलाएंगे उसको। एक्सिस का नेमिंग कर लेते हैं यहाँ पर N, और ये M, ये M नेमिंग कर लिए हुए ठीक है। तो इसी प्रकार मेरा सवाल बनेगा। तो आपको इस सवाल में कोई प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो आप हमें प्रॉब्लम को बताएं कमेंट सेक्शन में, तो आपके प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया जाएगा। एक चीज़ छूट गया हुआ यहाँ पे, देख लेते हैं इसका हाइट 65 mm का ठीक है। तो अब ये मेरा सवाल कंप्लीट हुआ, तो मिलते हैं अगले सवाल में, तब तक के लिए बाय।